फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेरे पिछला वीडियो P1 मैंने बना दिया है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के ऊपर, कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या क्या गाइडलाइन की फॉलो करना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताया। उसको आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट टू में हम देखेंगे कि और ऐसे क्या क्या गाइडलाइन है जो हम सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो बनाया है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर, कि हम लो वोल्टेज में, मीडियम वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में कैसे काम करेंगे, क्या क्या शटडाउन का प्रोसीजर रहेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, और एक वर्कर होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एक परमिट इश्यूअर होने के नाते उसका क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और एक परमिट रिसीवर के नाते उसका क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके साथ साथ लो वोल्टेज क्या होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, वो सारे का रेंज भी मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से वर्क परमिट का फॉर्मेट भी कैसे होता है मैंने आपको बताया। उसको अभी बढ़ाते हुए अभी हम वर्क परमिट के ऊपर जानेंगे कि और क्या ऐसे गाइडलाइन है कि उसको और अच्छे तरीके से हम सुरक्षा के तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में, पिछले इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में बताया कि क्या प्रोसीजर है, परमिट इश्यूअर, परमिट रिसीवर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के ऊपर, कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है काम करने से पहले, ये सारे मैंने आपको जानकारी दिया है। आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल रजिस्टर के बारे में बताएंगे कि उस रजिस्टर को भी मेंटेन करना जरूरी है जब भी हम शटडाउन के लिए वर्क परमिट को इशू करते हैं। आज हम जानेंगे कि उस शटडाउन रजिस्टर में हम क्या क्या ऐसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या चीज को बारीकी से देखेंगे, ताकि हमारा वर्क परमिट का प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है और स्ट्रांग हो और स्ट्रिंजेंट हो और हम सुरक्षित तरीके से काम कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड जितना भी वीडियोस है आपको वो मिल सके और आप एक अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके आपके मैनेजमेंट को, आपके वर्कमैन को और आपके इलेक्ट्रिशियन को। दोस्तों, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक इंडियन स्टैंडर्ड को रेफर करता है। जिस इंडियन स्टैंडर्ड का मैंने रेफरेंस लिया है यहाँ पे, ये IS कोड 5216 से मैंने लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए हम देखेंगे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड और क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को आसानी से एक वर्क लोकेशन में और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस रजिस्टर का क्या मतलब है। दोस्तों, हमको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। यदि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है और रजिस्टर में क्या क्या होना चाहिए, यदि आपको डिटेल्स में चाहिए तो मुझे मेल कीजिए, तो मैं आपको उसी रजिस्टर का कॉपी मैं आपको दे सकूं। ऑल मैसेजेस एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ स्विचेस एंड अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस कंसर्निंग द वर्क शैल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मैसेजेस प्रिफरेबली बाय इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क। दोस्तों, ये कहता है कि एक रजिस्टर ऑफ मैसेजेस होना चाहिए। रजिस्टर का नाम ही होना चाहिए रजिस्टर ऑफ मैसेजेस रिलेटेड टू योर शटडाउन जॉब। इस रजिस्टर ऑफ मैसेजेस में आप क्या क्या मेंशन करोगे, जैसे ये कहा गया है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ स्विचेस एंड अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस, जितना भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा शटडाउन रिलेटेड, वो सारी चीज आप इसमें मेंशन करोगे। प्रिफरेबली बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ये इसमें रजिस्टर में मेंटेन करना है जो डायरेक्टली उस प्लान में इन्वॉल्व ना हो, ताकि उसी का फुल्ली फोकस रहे इस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ सिक्योर भी रहे, कोई बाईपास चीज ना हो और कोई मैनिपुलेट ना हो, इसीलिए इस रजिस्टर को इंडिपेंडेंट पर्सन ही मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर टू में हम देखते हैं दोस्तों, द इशू और रिटर्न ऑफ परमिट शैल बी एंटर्ड इन द लॉग बुक। इसी लॉग बुक में जितना भी परमिट इशू है, जितना भी परमिट रिसीव हुआ है, वो सारे मेंटेन होना चाहिए। एंड लॉग शीट एदर इन रेड इंक और शुड बी अंडरलाइन, रेड इंक में होना चाहिए दोस्तों, और मे भी आप कोई भी इंक में लिख के उसके ऊपर अंडरलाइन कर सकते हो।
व्हेन चेंज ऑफ शिफ्ट ऑकर्स, जब भी शिफ्ट चेंज होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए परमिट, परमिट चालू रहता है और शिफ्ट चेंज हो जाता है, द आउट गोइंग परमिट इशूइंग ऑफिसर शैल इन्फॉर्म हिज रिलीफ बाई एंटरिंग इन द लॉग बुक। जो जा रहा है और जो आ रहा है, जो जा रहा है उसको उस रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए कि मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया है, इतना काम अभी बचा हुआ है और मेरा शिफ्ट खत्म हो रहा है। तो आने वाला आदमी को उसको समझ में आएगा कि इतना काम बचा हुआ है, इतना काम हो गया है और इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा वर्कमैन लगे हुए हैं। इस तरह मैसेज भी रिलीवर को एंट्री करना चाहिए। उसके साथ साथ बिफोर हैंडिंग ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल परमिट्स, द इनकमिंग परमिट इशूइंग ऑफिसर शैल आल्सो साइन ए लॉग बुक और लॉग शीट इन टेकिंग ओवर। जो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होता है दोस्तों, ये दोनों को आपस में सिग्नेचर करने की जरूरत है कि मैंने इतना काम कंप्लीट किया, इतने इतने वर्क लोकेशन में काम चल रहा है, ये लोकेशन में हमने परमिट लिया है, उसको साइन करेगा। एंड जो टेकिंग ओवर करेगा वो भी टेकिंग ओवर किया करके सिग्नेचर करेगा। दोस्तों ये सब इसीलिए है क्योंकि एक वर्कमैन की सेफ्टी है, ये इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है इनविजिबल है, ये सब इसीलिए है क्योंकि एक्सीडेंटली एनर्जाइज जो है वो ना हो। All the permit issuing officers and persons in charge concerned with the permit shall adopt similar logging procedure. जो भी permit issuing officer है, persons in charge है, उनको इसी तरह procedure जो है, similar logging procedure जो है, वो implement करने की जरूरत है। दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ special instructions for the safety of persons working on a job with a permit to work. जो परमिट टू वर्क में काम कर रहा है उसका सेफ्टी हम कैसे रखेंगे। द फॉलोइंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्राइमरली टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशंस शैल बी रिजिडली कंप्लाइड विद ऑल पर्संस एंड एट ऑल टाइम्स व्हेन वर्किंग ऑन जॉब विद अ परमिट टू वर्क। जब भी हम परमिट टू वर्क में काम कर रहे हैं, सारे वर्किंग कंडीशंस में सेफ्टी 100% इंप्लीमेंट कैसे हो, उसी को हमको ध्यान में रखना चाहिए। Anyone disregarding these instructions or behaving in a similar likely to cause danger, यदि कोई instructions को follow नहीं किया, यदि work condition का जो हमने जो instructions दिए हुए हैं, जो guidelines दिए हुए हैं, उसको यदि कोई नहीं माना और उस तरह ऐसी कोई situations भी create किया जिससे danger हो सकता है, तो उनको punish करना है। No person shall carry out or attempt any work on live mains and apparatus except with a permit to work and under the direct supervision of a competent person. Friends, जो भी work permit के through ही होना चाहिए। No person shall carry out and attempt any one live mains, कोई भी live main में apparatus में बिना work permit में बिना competent person के supervision में होना नहीं चाहिए। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा IS code 5216 कह रहा है। The person in charge shall explain the nature and duration of work to be carried out to the permit issuing authority. Person in charge, जो permit issuing authority है, वो explain करेगा कि ये कितना समय तक काम होगा, nature किस प्रकार के काम होंगे, कितना time तक ये काम होगा, ये सारे explain करना चाहिए। And obtain from him a permit to work before commencing any work. उसके बाद दोस्तों, द परमिट इशूइंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू ए परमिट अनलेस, एक परमिट इशूइंग जो अथॉरिटी है वो तब तक परमिट को इशू नहीं करेगा जब तक क्या है, द स्विचेस हैव बीन विथड्रॉन एंड आर कंप्लीटली आइसोलेटेड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से आइसोलेट होना बहुत जरूरी है, जितना भी हमारा लाइफ पार्ट है, लिंक्स एंड फ्यूजेस जितना भी है वो ओपन हो जाना चाहिए, जितना भी हमारा इक्विपमेंट है वो डिस्चार्ज होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और जितना भी एडजेसेंट लाइव पार्ट्स है, जितना भी नियर बाय लाइव पार्ट्स है, वो भी एडिक्यूटली सफिशियंटली ठीक तरह से प्रोटेक्ट होना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंटली कॉन्टैक्ट ना हो जो काम कर रहा है। वेयर पॉसिबल, जहां पे संभव हो, द स्विचेस शैल बी लॉक्ड एंड कीज हैंडेड ओवर टू द पर्सन इन चार्ज, लॉक होना चाहिए जहां पे पॉसिबल है, लॉक एंड की होना चाहिए और वो लॉक एंड की जो है वो पर्सन इंचार्ज को, कीज जो है उसका पर्सन इंचार्ज को हैंडिंग ओवर कर देना चाहिए। हु विल नॉट रिटर्न देम अंटिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, उनको उसको रिटर्न करना नहीं चाहिए, किसको, वो चाबी को,
रिटर्न करना चाहिए नहीं चाहिए, कब तक, जब तक काम कंप्लीट ना हो। स्विचेस एंड फ्यूजेस ऑफ ऑल कंट्रोल पैनल्स शैल आल्सो बी रेंडर्ड इनऑपरेटिव, जितना भी है वो इनऑपरेटिव होना चाहिए, जितना भी स्विचेस है फ्यूजेस है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। ये तभी हो सकता है दोस्तों जब भी हम लॉक एंड की का यूज करेंगे। डेंजर नोटिस प्लेट्स आर अटैच्ड, हमको डेंजर नोटिस बोर्ड भी अटैच करना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि यहाँ पे खतरनाक काम हो रहा है और उससे हमको दूरी रखना है। उसके साथ साथ एन एंट्री इज मेड इन द लॉग बुक और लॉग सीट टू द इफेक्ट दैट द मेन्स एंड अपरेटस अंडर परमिट हैव बीन मेड डेड और नो अकाउंट शैल दे अगेन बी मेड लाइव अंटिल द रिटर्न बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द परमिट टू वर्क एंड द कीज। एंड एंट्री इज मेड इन द लॉग बुक, एक लॉग बुक में एंट्री होना चाहिए दोस्तों किस चीज का, जो हमने वर्क परमिट लिया है, जो जो इक्विपमेंट को हमने डेड किया है वो इक्विपमेंट का सीरियल नंबर, वो इक्विपमेंट का नाम, वो सारे जो है रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। और ये तब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे, तब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको लाइव नहीं करेंगे जब तक ये वर्क परमिट हमारा रिटर्न ना हो के, जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो। तो दोस्तों ये यदि डिटेल्स हम काम करेंगे तो हमारे साथ कभी भी दुर्घटना जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों आगे हम P3 पार्ट थ्री उसका हम देखेंगे कि पार्ट थ्री में क्या और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा। और इसी तरह यदि हम काम शुरू करेंगे और ये सारी चीज को यदि मानेंगे तो हमारा दुर्घटना कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।